क्वेश्चन 13, कंसीडर दी एलपीपी ऑफ एक्सरसाइज 9, मींस कि हमने क्वेश्चन 9 का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था उसका टेबल यूज करना है. डिस्कस दी इफेक्ट ऑन दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ वी इंट्रोड्यूस ए न्यू कंस्ट्रेंट 4x1 + x2 - x3 + x4 = 2. द ऑप्टिमल टेबल इज CBB, XB, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. ये कौन सा टेबल है जो हमने क्वेश्चन 9 में सॉल्व किया था और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आया था. X1 = 16/9, X2 = 0, X3 = 0, X4 = 5/19, Z maximum = 83/19. क्वेश्चन 9 हमारा ये है, इसका ऑप्टिमल टेबल कहाँ से आया था जो हमने लास्ट में सॉल्व किया था. ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल टेबल. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आवाज से देख सकते हैं. और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आया था, X1 = 16/19, X2, X3 = 0, X4 = 5/19 एंड Z maximum = 83/19. Now we add the constraint 4x1 + x2 - x3 + x4 = 20. Sorry, 2. Then यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू पुट की और यहाँ पे x4 की, और x2 x3 क्या है हमारे 0 0. So हमारा क्या आया 69/19 > 2. This is a true. So we add the constraint 4x1 + x2 - x3 + x4 < 2. If जो हमारा xb greater than equal to 2 satisfy करता है, then we solve less than equal to. Now less than equal to को हटाकर हमने plus x8 कर दिया. x8 क्या है हमारा slack variable for all xi greater than equal to 0. So, हमारी न्यू कंस्ट्रेंट क्या आ गई, 0x8 2 4 1 - 1 1 0 0 0 1. नाउ अब हमारा मेथड क्या है, वी फर्स्ट इलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड x4 इन फोर्थ कॉलम. जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हमने क्या बनाना है, 0. मींस कि x1 और x4 के कोफिशिएंट को हमने 0 बनाना है. So apply R4 - 4R1 - R2. Then हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 0. 0x8 - 31/19 - 20/19 - 3 - 9/19 - 2/19 - 0 1. Now यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नेगेटिव. So x8 leaves the table. Now incoming कैसे डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा जे अपॉन एक्स जे वेयर एक्स जे लेस देन 0. जो हमारे एक्स जे हैं वो क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए. सो 169/38 - 20/19 1/2 - 3, 1/38 - 9/19, 53/38 - 2/19. देन इसको सॉल्व करके हमारा मैक्सिमम कौन सा है, -6 1/6. एंटर्स द टेबल. -1/6 किसको सॉल्व करके आया हमारा, x3 को. सो x3 enters the table. This is a dual simplex method. Now, यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 1, यहाँ पे 0 0. So applying R1 + 1/6 R4 R3 + 3/2 R4 R4 - 3. Then हमारा new table ये बन गया. Now हमारी न्यू टेबल ये बन गया. फिर उसके बाद हम डेल्टा जे फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा जे हमारा मोस्ट नेगेटिव क्या आ रहा है, -3/57. ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ZJ - CJ. और ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 × 1 + 7 × 0 + 0 × 0 +
1 into 0, then answer is 3. Then delta j, zj minus cj, 3 minus 3 is 0 and सभी हम फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ मोस्ट नेगेटिव इज माइनस 3/57. सो एक्स फाइव एंटर्स द टेबल और एक्स बी अपॉन एक्स फाइव इज 31/9 इज लीव पॉजिटिव. सो एक्स थ्री लीव द टेबल. देन यहां पे हमने 0, 0, 0 और 1 बनाना. सो अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑफ 57/1/9 R4, R1 minus 1 upon 3 R4, R2 plus 1 upon 3 R4, R3 plus 14/3 R4. So, हमारा new table ये बन गया और delta j greater than equal to 0. Hence, optimality is declared. The optimal basic feasible solution is X1 is equal to 7/18, X2 equal to 0, X3 equal to 0, X4 is equal to 4/9. और Z cap maximum is equal to 3 × 7/18 plus 7 × 4/9 is equal to, यहाँ पे इसका LCM ले लिया 18, 21 plus 56, 77/18 हमारा required answer.